हो, जो देश का भविष्य है, उस सारी चीज से हम लोग को बचना है। इसीलिए आज एक शुरुआत में आप सबों को हमारी उससे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ये जो हम लोग के साथ प्रसार शुरू करने जा रहा है, ये झारखंड के हित की, जनता के हित की और अच्छा समाज हम लोग निर्माण कर सके, अच्छा प्रदेश को निर्माण सके। इसीलिए नशा से मुक्त होने के लिए कार्यक्रम में जो भी आप लोग साथी उपस्थित है, इसको हम सबों को दायित्व समझ के प्रचार प्रसार पर सहयोग करें। हम लोग एक दूसरे का हम लोग इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग झारखंड को नशा से हम लोग बचाने का सफल रहे। इन्हीं बातों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। नशा मुक्त झारखंड के निर्माण के लिए हो रही है कि 2024 में रांची पुलिस के द्वारा 150 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो नशे के अपने इस संकल्प को गहरा करी कि नशा मुक्त झारखंड को बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, उसमें हम सबकी सहभागिता हो और इसकी शपथ ग्रहण और इस शपथ की अगुवाई करने के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ। तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े, देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत के भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार